Hello students, today we will discuss about Special Industry Initiatives SII JNK. जम्मू एंड कश्मीर का जो यूथ है वो काफी ज्यादा एजुकेटेड है और उनमें टैलेंट भी काफी ज्यादा है, बट इन क्वालिटीज के होते हुए भी उन्हें एम्प्लॉयमेंट जो है वो नहीं मिलती है. क्यों? उसके कुछ रीजंस हैं, ड्यू टू लैक ऑफ सॉफ्ट स्किल्स जैसे टीम वर्क, फ्लेक्सिबिलिटी, लीडरशिप एंड लैक ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स की वजह से. तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया, एक स्टेप उठाया. क्या था वो स्टेप? 10 to 20 कंपनीज जो है इंडस्ट्री सेक्टर की, उन्हें ये कहा गया कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ पार्टनरशिप करके स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो चलाएं, जिसके अंडर 8,000 यूथ जो है जेएनके का 5 ईयर पीरियड में उन्हें जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जा सके. 8,000 यूथ पर एनम इन 5 ईयर पीरियड. तो इसकी वजह से 40,000 यूथ जो है जेएनके के, उन्हें एम्प्लॉयमेंट जो है अलग अलग सेक्टर्स में मिल सकती है अक्रॉस द इंडिया. और ये एक स्कीम की वजह से सक्सेसफुल हो सकता था. वो स्कीम क्या थी? पीपीपी. पीपीपी मींस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें प्राइवेट एंटरप्राइजेस जो है वो गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में बाय शेयरिंग देयर प्रॉफिट्स. इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो 50% शेयरिंग जो है उनके बीच जो है वो हो सकती है. शेयरिंग की रेशियो 50:50 अगर हो तो बहुत सारे जो यूथ्स हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है. उसके बाद यहाँ हमें दिया है टुवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव्स. यूथ को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए क्या क्या स्टेप्स जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से लिए गए, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. कौन कौन सी स्कीम्स जो है वो चलाई गई. गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से हर कोशिश की कि वो यूथ को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके, हमारी स्टेट के यूथ को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके. और इसके लिए सबसे ज्यादा जोर जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे दिया गया. इसके साथ वर्क अपॉर्चुनिटीज जो कि प्राइवेट सेक्टर में मिलती है उस पर भी जोर दिया गया. और इसके लिए कुछ स्टेप्स उठाए गए, जिसमें फर्स्ट है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. एक पर्सन को सेल्फ एम्प्लॉयड कब कहा जाता है? जब वो अपना अपनी जो इनकम है वो डायरेक्टली अपने कस्टमर से, क्लाइंट से या किसी और ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्टली अपनी इनकम जो है वो कमाए. जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होता है वो किसी का एम्प्लॉय नहीं होता है, वो खुद काम करता है. सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन अपना रोजगार अपने बिजनेस से खुद कमाता है. तो गवर्नमेंट ने काफी टाइम तक जो है लोगों को ये बताने की कोशिश की, ये समझाने की कोशिश की, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो काफी अच्छा तरीका है अपना रोजगार कमाने के लिए इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स के. गवर्नमेंट ने यूथ को ये भी समझाने की कोशिश की कि वो अपना अगर प्राइवेट बिजनेस जो है वो चलाए तो उनकी अर्निंग जो है, उनकी इनकम जो है वो काफी अच्छी हो सकती है. और इसके लिए काफी जो अलग अलग स्कीम्स जो हैं वो दी गई. इसमें सबसे पहले आती है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम. और इस स्कीम के अंडर क्या था? कोई भी इंसान अगर अपना प्राइवेट बिजनेस जो है स्टार्ट करना चाहता है, पर्सनल बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो उसे फाइनेंशियल हेल्प जो है वो दी जाएगी. जैसे बैंक लोन्स हो गए, मार्जिन मनी, कैपिटल सब्साइड्स, इंटरनेट सब्साइड्स, कुछ और फीचर्स जो थे वो स्कीम्स में थे. एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट है उसने इस स्कीम को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है चलाया था. सेकेंड है फाइनेंसिंग स्कीम्स फॉर इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ वीकर सेक्शन. जो हमारे कुछ वीकर सेक्शंस हैं जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस, इनके लिए क्या किया गया? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो थी,
उनकी उन्होंने क्या किया, इन लोगों को हेल्प किया ताकि वो अपना बिजनेस जो है वो सेटअप कर सके। इन इन क्लासेस की हेल्प जो है अलग-अलग तरीके से की गई, जैसे फाइनेंशियल हेल्प हो गई, या लैंड, या जो एरिया उन्हें चाहिए जहां उन्हें बिजनेस सेटअप करना है, तो हर तरह के से इनकी हेल्प जो है वो की गई ताकि अपना बिजनेस जो है वो सेटअप कर सके। थर्ड है वर्क शेड कम हाउसिंग फॉर हैंडीक्राफ्ट्स आर्टिशंस। इस स्कीम के अंडर इसका ये मोटो था कि जो वर्किंग कंडीशंस हैं आर्टिशंस की, उन्हें इम्प्रूव किया जाए, प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि वो इस स्कीम का एक पार्ट था। कंस्ट्रक्शन जो है हाउसिंग फैसिलिटीज की, उसे भी इस स्कीम के अंडर जो है वो कवर किया गया था। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये स्कीम जो है ये किसके लिए अवेलेबल है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेम प्रोजेक्ट्स। ये स्कीम लॉन्च की गई थी अर्बन और रूरल दोनों एरियाज में, किसके लिए, फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। जो अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं या सर्विस सेक्टर्स हैं, उनमें डिफरेंट लोगों को, यूथ को जो है रोजगार जो है वो दिया गया। ये स्कीम्स आ जाती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंडर। उसके बाद नेक्स्ट है स्किल एम्पावरमेंट। स्किल एम्पावरमेंट में इस स्कीम में क्या था, गवर्नमेंट ने कुछ यूथ्स को जो है एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश की। कैसे, यूथ को ट्रेनिंग दी गई। कौन सी ट्रेनिंग्स दी गई, ऐसी ट्रेनिंग्स दी गई जिससे वो मार्केट रिलेटेड या रिक्वायर्ड स्किल जॉब्स जो हैं उनमें, उन जॉब्स में जो है काम कर सके। कुछ स्कीम्स जो है वो चलाई गई, जैसे उड़ान, हिमायत, ये कुछ स्कीम्स थी। ये क्या करते थे, बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं और फिर उनकी प्लेसमेंट करते हैं जिससे उन्हें एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिलती है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने काफी अलग अलग स्कीम्स जो है या काफी अलग अलग प्रोग्राम्स जो है वो चलाए ताकि हमारे स्टेट की यूथ को एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिले।